सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल कर्पित ऑल इन वन। तो जैसा कि मैंने पिछला व्लॉग अपलोड किया था गोल्डन टेम्पल का, तो गोल्डन टेम्पल होने के बाद अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। अगर आपने वो पुराना व्लॉग नहीं देखा है तो वो ऊपर आई कार्ड पर फ्लैश कर रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए यहाँ से चलते हैं सीधा जलियांवाले बाग की तरफ। अगर आप गोल्डन टेम्पल आए हैं और जलियांवाला बाग ना आए तो अधूरा सा लगता है, तो हम होके ही चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से राइट पे आती है जलियांवाला बाग की एंट्रेंस। तो ये रही एंट्रेंस, यहाँ से आप देख सकते हैं एंट्रेंस को किस तरीके से सजा दिया गया है। बहुत टाइम हुआ है इसको सजाए हुए, पहले जो था यहाँ पर इतना कुछ नहीं हुआ करता था। अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अलग अलग जगहों से लोग विज़िट करने आते रहते हैं। एंड यहाँ की हिस्ट्री तो सबको पता ही होगी मैक्सिमम को, कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था पहले जलियांवाला बाग इंसिडेंट में। एंड अब जो है यहाँ पर उसका पूरा मेमोरियल बना दिया गया है। अब हम यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ से सामने जो है आपको जो दिख रहा है उसको कहते हैं फ्लेम ऑफ लिबर्टी, तो वहीं को चलते हैं हम सीधा। अब देख सकते हैं आसपास कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर और कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। दोस्तों हम आ चुके हैं फ्लेम ऑफ लिबर्टी के पास। ये जो है दर्शाता है या फिर सिग्निफाई करता है कि जितने भी लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है उनके लिए हम बेहद दुखी हैं और आज भी दिल से हम उन्हें याद करते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं राइट साइड को, जहाँ पर आज भी बुलेट्स के निशान जो हैं वो मार्क किए गए हैं दीवार पर। तो आपको चलकर मैं वो जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं हम इस जगह पर। एंड यहाँ पर जितने भी आपको गोलियों के निशान दिख रहे हैं, बुलेट शॉट दिख रहे हैं आपको, वो वही बुलेट्स हैं जो 13 अप्रैल 1919 को चली थी लोगों पर। ये सभी आप बुलेट शॉट देख सकते हैं जितने भी ये दीवारों पे लगे हुए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। वैसे मैंने सोचा था कि आपको वहाँ पर भी लेके चलूँगा शहीदी कुएं की तरफ, बट वहाँ पर जो अभी काम चल रहा है इसलिए वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। तो जैसा कि आपको उसकी हिस्ट्री भी पता होगी कि कितने लोगों ने वहाँ कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, बट वो एक के ऊपर एक जो है वो दब गए थे सभी के सभी। दोस्तों यहाँ से आगे एक रूम टाइप सा है जहाँ पर बहुत से लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हैं। एंड यहाँ पर एनिमेशन में आपको जो है वो पास्ट भी दिखाते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं एनिमेशन में। तो हम एनिमेशन देखने चलते हैं, आप फ़ोटोज़ वगैरह देख ही सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों वहां से तो हम हो आए, अब हम चलते हैं दूसरी साइड को जहां पर मेरे ख्याल से एक लाइब्रेरी टाइप है या कुछ म्यूजियम टाइप है। वहां पर जो है एंटीक्स वगैरह पड़े हैं, तो वहां चल के देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं एंड अब अंदर चलते हैं यहाँ से।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चल रही है, वीडियो चल रही है जलियांवाला बाग इंसिडेंट की। एंड इंटीरियर जो है इस जगह का बहुत बढ़िया है, हर जगह पर यहाँ पर हिस्ट्री लिखी है एंड अलग अलग स्टैचूज लगे हैं वॉरियर्स के। तो ये जगह पर आप ज़रूर विज़िट करिएगा अगर आप जलियांवाला बाग आते हैं एंड हिस्ट्री यहाँ की पढ़िएगा। अब वहाँ से तो हम बाहर आ चुके हैं, अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड हम सोच रहे हैं अब घर चलते हैं यहाँ से। एंड यहाँ से फिर से हम आ चुके हैं मार्केट में। सो दोस्तों आज के ब्लॉग को यही ओवर करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, पीस आउट।